अंबेडकर नगर जिला निर्वाचन अधिकारी जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने पुलिस अधीक्षक डॉक्टर कौस्तुभ की उपस्थिति में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जनपद अंबेडकर नगर के विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 277 कटहरी विधानसभा के निर्वाचन की घोषणा के उपरांत आज कलेक्ट्रेट सभागार में प्रेस वार्ता की। अम्बेडकर नगर की 277 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र कटेरी के उप निर्वाचन की घोषणा कर दी गई है, जिसके निर्वाचन की प्रक्रिया निम्नानुसार प्रस्तावित है। निर्वाचन की अधिसूचना का दिनांक 18/10/2024, नाम निर्देशन हेतु तो अंतिम दिनांक 25/10/2024, नाम निर्देशनों की जांच का जो दिनांक है वह 28/10/2024, नाम वापसी हेतु तो अंतिम दिनांक है 30/10/2024, मतदान का दिनांक है 13/11/2024, मतगणना का दिनांक है 23/11/2024 और वह दिनांक जिसके पूर्व निर्वाचन पूर्ण कर लिया जाएगा वो 25/11/2024 है। जनपद अंबेडकर नगर की पांचों तहसीलों में और जो हमारे 9 विकास खंड हैं वहां पर आदर्श आचार संहिता पूरी तरह से लागू कर दी गई है, प्रभावी कर दी गई है। कटहरी विधानसभा के अंतर्गत 15/10/2024 की जो मतदाता सूची है उसमें कुल मिलाकर 4,875 मतदाता हैं, जिनमें से 2,10,538 पुरुष हैं तथा 1,90,306 महिला हैं। इस प्रकार यहां का जो जेंडर रेशियो है 904 है और ईपी रेशियो 65.06% है। इस पूरे विधानसभा क्षेत्र में जो हमारे मतदान केंद्र हैं वो 280 हैं और जो मध्य स्थल हैं वो 425 हैं। आदर्श आचार संहिता के प्रभावी होने के साथ साथ जो हमारे आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन पर लोक प्रतिनिधित्व 1951 की धारा 123 से 136 तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 171 के सुसंगत के प्रावधान भी तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं। जनपद में आदर्श आचार संहिता के अनुपालन हेतु उड़नदस्ता, स्थायी निगरानी, सहायक प्रेक्षक, वीडियो निगरानी टीम, वीडियो अवलोकन टीम और महिला प्रमाण मीडिया प्रमाण एवं अनुरक्षण समिति व अनुरक्षण नियंत्रण एवं कॉल सेंटर की जो है स्थापना कर दी गई है और इन कॉल सेंटर के साथ साथ जो हमारे कंट्रोल रूम भी है उन्हें 24 घंटे के लिए उनको संचालित किया जा रहा है और इसके साथ ही हमारे जितनी भी जो इलेक्शन से जुड़े हुए जो हमारे कार्य हैं उनके लिए हम लोगों ने प्रभारी अधिकारियों से तैनाती कर दी गई है। कल ही हमारे और पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा, डिप्टी डीओ के द्वारा हम लोगों ने उनकी बैठक भी कर ली है। साथ ही साथ जो सेक्टर मजिस्ट्रेट और जोनल मजिस्ट्रेट है उनकी भी तैनाती कर दी गई है और उनको कहा गया है कि वो लोग जाकर अपने क्षेत्रों का भ्रमण कर लें, जिससे कहीं पर किसी प्रकार के कोई विकल्प हो या कहीं पर ऐसा लग रहा है कि ये आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है उसकी तत्काल सूचना दें और उसके तत्काल उसकी जो है विरोधात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करें। निश्चित रूप से पूरा भारत निर्वाचन आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा जो देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।